दोस्तों, आज का टाइटल तो आपने पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मार्केट कंफ्यूज है। वो क्यों कंफ्यूज है और कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि जब भी मार्केट नेगेटिव जाता है, नेगेटिव क्लोज होता है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रहा है, और पॉजिटिव क्लोज हो रहा है तो रेड कैंडल आ रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि मार्केट कंफ्यूज है। प्लस 16,500 इंपोर्टेंस लेवल है, उसके ऊपर नहीं क्लोज होके लगभग उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो जैसे लास्ट वीक वीडियो में मैंने बताया था कि बुलिश है क्या, बेरिश है, समझ नहीं रहा है मार्केट, तो वैसे ही मार्केट कंफ्यूज है। तो उसका कंफ्यूजन हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको लेवल के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। प्लस हम लोग देखेंगे कि मार्केट डेली में 24 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू, और टेक्निकलिस की बहुत सारे वीडियोस है, वो देख के आप टेक्निकलिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। यहाँ पे +45 पॉइंट है पॉजिटिव, और बैंक निफ्टी 90। तो यहाँ पे लगभग दोनों भी वही लेवल के आसपास है जहाँ पे प्लस माइनस इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो चार्ट थोड़ा यहाँ पे निफ्टी का हमको कंफ्यूजन लगता है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि मार्केट बुलिश है क्या बेरिश, ये समझ नहीं रहा है। तो जैसे यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद मार्केट नीचे तो आ गया, लेकिन नीचे के लेवल के ऊपर यहाँ पे उसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, और आज नेगेटिव कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना था, यहाँ से ब्रेकआउट किया मार्केट ने, फिर से ये लेवल पे आके एक सपोर्ट लिया, और ये फिर से यानी कि टेक्निकली ये ऊपर जाना चाहिए। बट ये लेवल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है जहाँ पे अपना लेवल भी था पहले, और नीचे ये सपोर्ट। तो अभी हमारे लिए ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंस है। अगर ये दो लेवल यानी ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बुलिश हो सकता है, और ये नीचे जाता है तो एक थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट आ सकता है। इन बिटवीन अगर आप ट्रेड करना चाहो तो मार्केट जैसे कि नीचे जाता तो गैप डाउन खुलता है और ऊपर जाता है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो गैप अप खुलता है और नीचे आता है, तो ये कंफ्यूजन होता है। अगर ये कंफ्यूजन में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना कैसे समझ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि ऊपर 16,590 के ऊपर अगर जाके क्लोज होता है डेली में तो ये बुलिशनेस होगा, और नीचे जैसे कि 16,376 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बेरिशनेस आ सकता है। अदरवाइज हम लोग ये तीन कैंडल देखेंगे तो ये हमको क्लियरली एक कंफ्यूजन दिख रहा है। वैसे कैंडल बड़े हैं, ऊपर गैप भी फिल किया, और यहाँ पे गैप फिल करते ही सेलिंग आया, तो एक गैप फिल करने के बाद थोड़ा सा एक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते भी है। बट अगर हम लोग आज के मार्केट को हम लोग अगर कहेंगे तो एक बिल्कुल हमको एक क्लू दे रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। जैसे कि ग्लोबल क्लूज या फिर कोरोना वायरस के क्लूज, उसके भी इम्पैक्ट होते हैं, बट किसका भी क्लियरली इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है कि बुलिश या बेरिश। तो मार्केट अगर डेली में 16,500 के ऊपर भी क्लोज होता है तो ये थोड़ा सा एक बुलिश हो सकता है, बट 16,590 के ऊपर अगर क्लोज देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेलिंग आया, तो एक ये यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। और रिसेंट सपोर्ट जो है 16,376, 16,376 का ये जो लिया था सपोर्ट, यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो एक नेगेटिव हो सकता है। इन बिटवीन आपको कैसे ट्रेड करना है, तो इन बिटवीन आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस एक्शन इंट्राडे में कैसे होता है वो देख के ट्रेड करना है। तो हम लोग देखेंगे 5 मिनट में कि कौन से लेवल्स रहेंगे जो हमारे लिए कल इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी अपने लेवल के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है, और यहाँ पे आप 16,500 देखो तो आज दिन में यहाँ पे पूरा मार्केट ने कंफ्यूज किया था, ना तो सपोर्ट ले रहा था ना तो रेसिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था। तो कल भी ये लेवल में भी वर्क नहीं हो गए, तो हम लोग नए लेवल्स लेंगे कि सेल सेल के लिए और बाइंग के लिए भी। तो सेल के लिए जो लेवल रहेगा निफ्टी में 16,471 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे आप यहाँ पे निफ्टी में सेल कर सकते हो। हमारा थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल रहेगा बाइंग के लिए जो है कि इंट्राडे का, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैंडल नीचे लाइन नीचे लेता हूँ। 16,537 का लेवल अगर इसके ऊपर जाता है तो आप
निफ्टी में बाई कर सकते हो। 16590 का ये जो टारगेट ये आ सकता है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस रहेगा। अगर गैप अप यहाँ पे खुलता है तो फिर से अगर देखना कि ये लेवल कैसे मार्केट प्राइजेशन बनाता है। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल आता है गैप अप के बाद, तो ये थोड़ा सेलिंग हो सकता है। तो आपको नजदीक वाले ये जो दो लेवल है जो मैंने आपको इंट्राडे के लेवल निकाल के बताए, उसके ऊपर ध्यान देना। अगर ये इन बिटवीन मार्केट शुरू होता है 15-16,500 के आसपास ही ऊपर वाला या नीचे वाला लेवल ब्रेक करेगा, तो आपको एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए कि लगभग निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, थोड़ा डाउन साइड में ही यहाँ पे ये करते हुए दिख रहा है। अगर हम इंट्राडे के मेरे कौन से भी लेवल देखो, मोस्टली लेवल को रिस्पेक्ट करता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो बैंक निफ्टी 34840 ये लेवल को टच किया था, वहां से ही सपोर्ट लिया है। तो इन फ्यूचर कभी भी इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एक शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड आ सकता है। बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव में जाने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऊपर वाला एक सपोर्ट था, जैसे कि 35666, मैंने बहुत बार ये लेवल कहा था भी आपको, तो मैंने आपको बहुत बार कहा था अगर ये लेवल छूटता है तो नेगेटिव है, अगर होल्ड करता है तो अच्छा है। तो अभी हमारे लिए रेसिस्टेंस हो गया है, इसके ऊपर जाके बैंक निफ्टी क्लोज होगा तो हमको एक थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। बात जो है कि अभी कल कल इमिडिएटली आपको, जैसे कि आज का हाई अगर आप देखोगे तो लगभग ये जो गैप फिल किया है और एक कैंडल था उसका लो है, तो ये लेवल 35422 इमीडिएट आपको एक रेजिस्टेंस होगा जब भी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये लेवल भी हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंस हो गया है। इंट्राडे के लिए कौन से लेवल रहेंगे हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। देखो मोस्टली अपने सभी लेवल जो रहते हैं एक्चुअली बहुत ही अच्छा रिएक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी जब ये लेवल पे आने के बाद यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनाने लगा और यहाँ से एक पॉजिटिव मूव किया था। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डेली के हमारे लेवल्स हैं, तो बैंक निफ्टी डेली के लेवल्स के नीचे ही 35023, 35,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो 35023 के नीचे अगर ये जाता है 5 मिनट में तो इसको हम लोग सेल करेंगे। बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं एक 5 मिनट का लेवल यहाँ पे ले लूंगा, तो वो रहेगा 35244 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कहा कि मार्केट कंफ्यूज है, तो हम लोग कुछ बाइंग के कॉल देखेंगे और सेलिंग के भी देखेंगे। अगर बाइंग के साइड में मार्केट होगा तो बाइंग के कॉल आप अटेंड करोगे, सेलिंग के साइड रहेगा तो सेलिंग के। तो पहला स्टॉक जो है कि SBI है। SBI इतना पॉजिटिव भी नहीं है, बट अगर हम उसका चार्ट देखेंगे तो मैं यहाँ पे जूम करके बताता हूँ कि जैसे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंट्राडे के लिए स्टॉक क्यों चुनते हो, तो यहाँ पे देखो पहले वाला सपोर्ट था वहां पे ही ये SBI आया है और यहाँ पे इसने एक बाइंग प्रेशर कैंडल बनाया जिसको आप लोग हैमर कहते हो। तो ये हैमर जो है कि इसके ऊपर, तो SBI 413 के ऊपर जाता है तो हम लोग फर्स्ट टारगेट जो है उसका 421 यहाँ पे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक भी देखिए कि एक सपोर्ट लेवल के ऊपर एक हैमर बना रहा है, उसके पहले एक पॉजिटिव कैंडल भी बनाया था। तो यहाँ पे 1532 के ऊपर अगर जाता है तो HDFC बैंक में हम लोग बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट उसका होगा 1557 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों सेलिंग के लिए भी कोई स्टॉक देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स सेलिंग के लिए इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जो कि मल्टीपल सपोर्ट थे उसने आज ब्रेक किया है, तो कल हम लोग इसको बाय सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट नेगेटिव जाता है और ऑटो भी नेगेटिव जाते हैं, 275 के नीचे आप इसमें सेलिंग कर सकते हो और 267 का यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। देन ग्रासिम, अभी ग्रासिम भी देखिए कि एक जैसे कि नजदीक वाला जो सपोर्ट था मल्टीपल टाइम सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है, तो ग्रासिम में हम लोग सेल कर सकते हैं। जो लेवल रहेगा 1431 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका 1402 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ लाइव मार्केट पे सीखना है, दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट है stockgurudeepak.in, वहां पे हमारे कोर्स के बारे में आप ज्यादा जानकारी पा सकते हो। दोस्तों
यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।